20 जून को समाचार चैनल हिंदी खबर के प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल ने फेसबुक पोस्ट करके बताया था कि नोएडा एक्सटेंशन में कुछ बदमाशों ने उन्हें रात में घेर लिया। अतुल अग्रवाल ने जो कहानी फेसबुक पर लिखी थी वह काफी भयावह थी। इसके बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस जांच में जुट गई है। हालांकि अतुल अग्रवाल ने अपने साथ हुई घटना का जिक्र फेसबुक पर तो किया था, लेकिन वह इस घटना के खिलाफ तहरीर देने को राजी नहीं थी। उसके बाद पुलिस ने खुद ही सब कुछ करके मामले की जांच शुरू की। पुलिस की जांच में पूरी कहानी फर्जी निकली। सरेआम झूठ बोलकर पत्रकार अतुल अग्रवाल खुद तो बेइज्जती का पात्र बन ही गए, साथ ही पत्नी चित्रा त्रिपाठी की भी बदनामी करवा रहे हैं। बता दें कि अतुल अग्रवाल आज तक की न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी के पति हैं। सोशल मीडिया पर इस समय चित्रा त्रिपाठी और अतुल अग्रवाल दोनों ट्रेड हो रहे हैं। चूंकि चित्रा अतुल की पत्नी है, इसीलिए लोग उन पर भी तंज कस रहे हैं। पुलिस के मुताबिक अतुल अग्रवाल को किसी बदमाश वगैरह ने नहीं रुकवाया था, बल्कि वह 19 जून की रात महिला मित्र के साथ थे। वो रात के ओयो होटल में रुके, पत्नी का फोन आया और निजी कारणों से उन्होंने लूट की झूठी कहानी रची। पुलिस ने कहा कि महिला मित्र के घर खाना खाया और ओयो होटल में रुके थे अतुल अग्रवाल। पुलिस ने CCTV फुटेज और अन्य तथ्य भी पेश करने का दावा किया। पुलिस ने कहा कि महिला मित्र से जानकारी करने के बाद सामने आया कि 19 जून को हमारे घर खाना खाने आई थे। CCTV फुटेज में पुष्टि हुई कि अतुल अग्रवाल महिला मित्र के घर पर ही थे। इसी दौरान अतुल अग्रवाल की पत्नी का फोन आया और उन्हें तत्काल घर आने को कहा। इसके बाद वह आनंद फानंद में वहाँ निकल गए।